गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं, भारत स्किल क्वेश्चन बैंक ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के लिए। ठीक है, तो ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड आपके भले आप सीटीएस में है या सीआईटीएस में है, आप आईटीआई में है या एनएसटी में है, तो दोनों के लिए क्वेश्चन बैंक कॉमन रहेगा। ठीक है, तो दोनों के क्वेश्चन इसमें रखे जाएंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। ओके, तो मेरा नाम है सचिन सैनी और आप हमारे इस YouTube चैनल स्किल बुक को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे सेशंस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, सो इस सेशन में हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ड्राफ्टमैन सिविल के क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको देखिए, आपको पहले मैं क्वेश्चन बोलूंगा और फिर ऑप्शन बोलूंगा, तो उसके लिए आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सको। ठीक है, राइट आंसर क्या है वो बता सको लाइव चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम सेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह से सेशन को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद मैं उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो ये चीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टरी, इस कला का नाम क्या है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन आपके पास फेशियल, कार्डियो, ब्रेचियल या फिर टेम्पोरल। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो देखिए कुछ कुछ आंसर सही है, एक दो आंसर गलत भी है। देखिए इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, कार्डियो। ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, मान लो अलग अलग तरह के होते हैं ना, क्या अगर फर्स्ट एड के अंदर अगर किसी को चोट लग जाए तो क्या करना है आपने। ठीक है, उसके बाद अगर किसी का दम घुट रहा हो तो क्या करना है। ठीक है, अगर कोई पानी के अंदर डूब जाए तो वो क्या करना है, तो अलग अलग तरह की कलाएं होती है। ठीक है, फर्स्ट एड के अंदर हम ये इन सबको डिस्कस करेंगे, और जिन सबको नहीं पता तो हम हमारे चैनल स्किल बुक पर पूरा कोर्स कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के लिए। ओके, तो 2 से 3 सेशन मैं ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूँ, तो ये जितने भी आपका कंटेंट है, जितना भी आपका सिलेबस रहेगा, हम पूरा कवर करवाएंगे। ठीक है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सिंबल रेफर। अब ये जो सिंबल दिखाया गया है, ये वाला, ये जो सिंबल है ना दोनों, ये सिंबल किसके ओर इशारा करते हैं। ठीक है, तो आपने इसका जवाब देना है। तो ऑप्शन आपके पास, फिजिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, इर्गोनॉमिक हैजार्ड या नॉइस एंड वाइब्रेशन हैजार्ड। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए ये सिंबल से आपको क्या समझ आ रहा है, ये कुछ कंपन पैदा हो रही है। ठीक है, जैसे ये आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है, कंपन का ही है ना, यानी कि क्या हुआ, ये नॉइस एंड वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन कंपन हुआ ना, तो ये उसका सिंबल है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, नॉइस एंड वाइब्रेशन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे फिजिकल और बायोलॉजिकल हजार के लिए कौन से सिंबल देखने को मिलेंगे आपको। जैसे देखिए फिजिकल हजार कौन से होते हैं, जैसे मान लो मूविंग मशीनरी, ऐसी अगर मान लो कोई मशीनरी चल रही है, ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा क्या इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, मशीन चल रही है उसके अंदर आपका हाथ आ सकता है, पैर आ सकता है, वो कट सकता है, इस तरह की फिजिकल हजार होते हैं। ठीक है, या फिर स्लिपिंग, ये जो सीढ़ियां हैं, मान लो कहीं सीढ़ियां लगी हुई है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप जा रहे हो। ओके, तो उस सीढ़ी पे जा रहे हो तो सीढ़ियां क्या है, फिसलनी है। ठीक है, फिसल सकते हो आप उससे, या फिर कुछ मटेरियल गिरा हुआ है, तो इस तरह के होते हैं फिजिकल हजार। ठीक है, जिसके बारे में आपको अवगत कराया जाता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। ठीक है, देन हीटिंग डिवाइसेस, अगर मान लो आपका जो कोई मशीन है वो चल रही है, ठीक है, तो मशीन चलने से क्या होगी, गर्मी पैदा होगी, हीट क्रिएट होगी, तो क्या होगा, इस तरह के आपको फिजिकल हजार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके लिए सिंबल्स दिखाए जाते हैं कि आप मशीन गर्म है, ये जो डिवाइस है वो गर्म है, इससे आपकी स्किन को परेशानी हो सकती है, अगर उसके ऊपर आप हाथ रखोगे तो क्या होगा, आपको चोट लगेगी ना, मतलब आपका हाथ क्या होगा, जल जाएगा ना, तो ये फिजिकल हजार्ड हुआ। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी हजार्ड्स होते हैं वो फिजिकल हजार्ड में आते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट था बायोलॉजिकल हजार्ड,
ठीक है, यानी कि कुछ आपको प्रॉब्लम हो चुकी है बायोलॉजी की, ठीक है, जैसे मान लो हम बात करें कुछ वायरसेस की, ठीक है, कुछ केमिकल्स की, तो इस तरह के जो हजार आएंगे वो आएंगे बायोलॉजिकल हजार। ओके, सो ये चीज थी, यही हमारे पास ऑप्शन थे ना, कौन कौन से होते हैं, व्हाट डज द सिंबल रेफर टू, ये जो सिंबल है किस तरह की का सिंबल है, नॉइज एंड वाइब्रेशन का, इस जगह पे बहुत ज्यादा नॉइज हो। अब आप देखते हो कि मान लो जो फैक्ट्री है उनके अंदर मशीनें चल रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉइज पैदा हो रही है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन पैदा हो रही है, तो इस तरह के सिंबल आपको लगा दिए जाएंगे उस जगह पे कि हाँ आपको ये परेशानी हो सकती है, वाइब्रेशन हो सकती है बहुत ज्यादा, और नॉइज की वजह से आपके कान खराब हो सकते हैं, तो आपका जो ईयर सेफ्टी है ना, कानों पे कुछ लगा के रखिए आप ताकि आपको ज्यादा आवाज सुनाई ना दे, ठीक है। तो ये होते हैं जो सिंबल होते हैं वो नॉइज एंड वाइब्रेशन। ओके, तो ये चीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टर्म ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अब उस टर्म का नाम क्या है, वो कौन सी टर्म है जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, सबसे ऊपरी सतह है अर्थ की, ठीक है। ये चीजें भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 से 5 या 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। सो ऑप्शंस आपके पास, लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल, एटमोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर और देन थर्मोस्फीयर। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, लिथोस्फीयर। ओके, यानी कि स्थल मंडल। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मंडल होते हैं, कौन कौन से लेयर्स होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो सबसे ऊपरी सतह होती है धरती की वो क्या होगी, लिथोस्फीयर, ठीक है, यानी कि स्थल मंडल। ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली क्या कहलाएगी, लिथोस्फीयर कहलाएगी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। अब उसके बाद एटमोस्फीयर, ये जो हवा होती है ना, यहाँ देखिए हवा जा रही है ना, हवा को क्या कहेंगे, जो ऊपर वाला स्फीयर होगा, जो लेयर होगी वो क्या होगी, वो होगी एटमोस्फीयर, वायुमंडल, ठीक है। देन उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, जो पानी के अंदर हो वो कौन सा होगा, हाइड्रोस्फीयर। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने आपको 3 बताए, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है, इन सब के बारे में आपको क्लियर हो गया ये कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें होती है। अब उसके बाद एक चीज और देख रहे हो आप, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, तो बायोस्फीयर को आप कुछ इस तरह से देखिए, देखिए जैसे एटमोस्फीयर हो गया एयर के अंदर यानी कि वायुमंडल हो गया आपका, हाइड्रोस्फीयर पानी हो गया, लिथोस्फीयर धरती हो गई। अब इन तीनों के अंदर जो बीच की चीज है ना, जहाँ पे लिविंग थिंग्स है, जैसे मान लो हवा के अंदर पक्षी हो गए, ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं वो चीज, देन उसके बाद जो इंसान हो गए, जानवर हो गए धरती के ऊपर, ठीक है, या फिर हम बात करें जैसे मछलियों की हो गई, जो किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो इन सब की जो एरिया होगा ना उसको क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे, ठीक है, तो ये होता है बायोस्फीयर। ओके, तो इसी चीज आपने ध्यान रखनी है, बायोस्फीयर क्या बना, एयर, एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों का मिला के जो बना वो क्या हुआ, बायोस्फीयर, जहाँ पे लिविंग थिंग है, ठीक है, यानी कि धरती पे इंसान हो गए, ठीक है, पानी में मछलियां हो गई, और हवा में क्या, पंछी हो गए, ठीक है, बाज हो गया आपका, ठीक है, इस तरह की जो चिड़िया होती है वो इस जहाँ पे इंसान रहे या फिर जहाँ पे कोई लिविंग थिंग रहे, ठीक है, इंसान तो कहाँ रहेंगे, धरती पे रहेंगे, ये तो सिंपल आपको क्लियर है। पक्षी हो गए हवा में हो गए, जो मछली हो गई, शार्क हो गई, ये किस में हो गए, ठीक है, ये किस में हो गए, पानी में हो गए। तो अब ये जो जहाँ पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं, जहाँ पे लिविंग क्रिएचर है, ठीक है, लिविंग क्रिएचर यानी कि जो जीवित है चीज, जैसे इंसान, जानवर, ये सब चीज जो जीवित है वो जहाँ रहे वो क्या होगा, बायोस्फीयर होगा, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट। अब जो आपकी दुर्घटना होती है उनको अवॉइड करने के लिए, कि वो ना हो, उसके लिए सबसे एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास, ए वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, बी डूइंग थिंग्स वन ऑन वे, सी परफॉर्मिंग विद हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस, और डी ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन रिलेटेड टू जॉब, मशीन एंड वर्किंग प्लेस। ओके, तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए।
तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन रिलेटेड टू जॉब मशीन एंड वर्किंग प्लेस। तो देखो इसमें क्या है, ये सबसे एक्सेप्टेड मेथड है अवॉइडिंग एक्सीडेंट का, ठीक है। वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, देखिए आपको सेफ्टी इक्विपमेंट तो पहननी है, वो तो बात सही है, ठीक है, कि आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने हैं, ठीक है, ग्लव्स पहनने हैं, अपनी हेड प्रोटेक्शन करनी है, वो तो पहननी है, ठीक है। लेकिन मान लो आप उनको पहनने के बाद भी गलतियां करें, कि ये अच्छा मेथड है, कोई अच्छा मेथड है, ठीक है, सही मेथड है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डूइंग थिंग इन ऑन वंस वे, जो इसका एक रास्ता है, जैसे चीजों को करना है वैसे ही करना चाहिए। तो मान लीजिए उसके अंदर भी तो गलतियां हो सकती है ना, इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है, इंसान क्या है, गलतियां ही करता है, ठीक है। तो गलतियां हो सकती है, उस चीज को आप कर रहे हो सही तरीके से कर रहे हो, उसमें भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो उस सब से बचने के लिए आपको क्या चीज करनी पड़ेगी, कि मान लो आपको बताया इस मशीन पे ऐसे काम करने, लेकिन उस मशीन पे काम करने के लिए आपको सेफ्टी बताई जाएगी, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, ठीक है। कि मान लो मशीन चल रही है ना, आप अपना काम कर रहे हो, सही बात है, ठीक है, मशीन चल रही है, तो चलती हुई मशीन में आपको उसको हाथ नहीं लगाना, ठीक है, अपने हाथ को, मान लो कुछ कटिंग की मशीन है, कटिंग करना है किसी चीज को, मेटल कट करना है, तो अपने बड़े ध्यान से उस चीज को देखना है, ठीक है, यहाँ मेरा हाथ कहाँ है, मेरे पैर कहाँ है, ठीक है, मतलब उस चीज से बचना है कि जो चलती हुई मशीन है वो आपको नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो यही सब चीज होती है, जैसे आप मान लो आपको, अगर आप आईटीआई के अंदर पढ़ रहे हो तो क्या होगा, आपके जो इंस्ट्रक्टर्स है, आपके जो टीचर्स है, आपको क्या बताते हैं ना, प्रैक्टिकल पहले कैसे करना, ठीक है, प्रैक्टिकल कैसे करना वो बताते हैं। तो उसके अंदर आपको ये चीज भी बताते हैं कि आपने ये जो काम करना है इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, ठीक है, कि मशीन को चलते हुए नहीं, हाथ नहीं लगाना, ठीक है, या फिर इस तरह के, मतलब उस जॉब से रिलेटेड हो सकती है, मतलब अलग अलग जॉब के हिसाब से अलग अलग सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ड्राफ्टमैन सिविल की, तो ड्राफ्टमैन सिविल में क्या होगा, कि मान लो आपने क्या करना है, और जो स्केल है आपका उसको साफ करते रहना, ठीक है। अगर मान लो आपने स्केल से लाइन लगाई, ठीक है, तो क्या हुआ, जो पेंसिल का जो अवशेष थे, जो पार्टिकल्स थे, वो क्या स्केल के ऊपर रह गए। अब आप उस स्केल को पूरी शीट पर चलाओगे तो क्या होगा, वो शीट ब्लैक हो जाएगी, ठीक है, काली हो जाएगी, इससे पेंसिल की वजह से, जो आपने पेंसिल के साथ चलाया, उस स्केल को साफ करते रहिए, मिनी ड्राफ्टर को आप साफ करते रहिए, ठीक है, ये सब चीज, ओके। तो आपके जॉब से रिलेटेड जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उनको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ये चीज आपके ध्यान होनी चाहिए, ओके। तो ड्राफ्टमैन सिविल में तो यही होता है कि मोस्टली आपने, अगर मान लो आप शीट कट कर रहे हो तो कटर को अच्छे से यूज करना है, अपने उंगली अपनी आगे नहीं रखनी कटर के आगे, अगर मान लो जैसे आपने शीट कट की आपकी वो उंगली पे लगी और कट हो गया, तो ये सब चीजें अपने सेफ्टी प्रिकॉशन के अंदर अजमानी, मतलब उनको इम्प्लीमेंट करना, उस चीज को लागू करना, ठीक है, यानी कि सेफ्टी प्रिकॉशन देखने कौन कौन से हैं उनका ध्यान भी रखना, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस रिलेटेड टू जॉब, ठीक है, जो आपकी जॉब से रिलेटेड सेफ्टी प्रिकॉशंस है उनको ऑब्जर्व करना, ओके। जस्ट अ सेकंड, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्लास डी फायर। अब जो क्लास डी फायर है वो कौन सी होती है आपसे पूछा गया। तो ऑप्शंस आपके पास ऑयल एंड फैट्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स, कॉम्बिस्टिबल मेटल्स और एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, कॉम्बिस्टिबल मेटल्स, ठीक है, यानी कि दहनशील धातु, वो धातु जिसमें आग लग सकती है, ठीक है, ठीक है। क्लास ये होती है किसमें, जैसे मान लो किसी लकड़ी में आग लगना, ठीक है, कागज में आग लगना। तो देखिए यहाँ पे जो ए का मतलब वो क्या होता है, ऐश, यानी कि राख बन जाना। अगर मान लो आपका जो कागज है वो जलेगा तो क्या होगा, राख बनेगा ना, और या फिर लकड़ी बनेगी तो वो भी राख बनेगी, तो ये सब चीज। तो ए का मतलब क्या होगा, ऐश, ठीक है। उसके बाद बी, बी का क्या होगा, बैरल, यानी कि आग लगना, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो तेल हो गए, फ्लेमेबल लिक्विड हो गए ना, ऐसे लिक्विड्स, ऐसे तरल जिसके अंदर आग लग सकती है, वो क्लास बी के अंदर आएंगे, ठीक है। देन क्लास सी, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि सी का क्या मतलब बना, करंट, यानी कि जिस वायर के अंदर, जिस इक्विपमेंट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर आग लगना, तो सिंपल सा सी का मतलब होगा करंट, ठीक है। देन उसके बाद कॉम्बिस्टिबल मेटल्स, ठीक है, तो ये कौन से में आएगा, क्लास डी में आएगा, यही हमसे पूछा गया ना, क्लास डी फायर कौन सी होती है।
तो कौन सी आएगी? कम्ब्यूस्टिबल मेटल्स, ठीक है, यानी कि डायनामाइट, डी फॉर डायनामाइट, ठीक है। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हो। एंड देन उसके बाद ऑयल एंड फैट्स। अब जो क्लास के होती है वो होती है किचन के अंदर आग लगने वाली, जैसे मान लो तेल हो गई, ठीक है, जो मतलब जो कुकिंग के लिए तेल यूज किया जाता है उनके अंदर आग लगना, तो ये सब होता है किचन के अंदर जो आग लगती है, ओके, जो किचन के अंदर मेटेरियल्स यूज होते हैं उनके अंदर आग लगना किसमें आएगा? क्लास के में आएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। अब जो फर्स्ट एड है उसकी एबीसी क्या होती है, ठीक है, यानी कि ए बी और सी किसको डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास एड ब्रेक कंट्रोल, अवॉइड ब्रीडिंग कंट्रोल, एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, या एक्सीडेंट ब्लीडिंग और सर्कुलेशन। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आएगा। कैसे? देखिए जो एबीसी होती है फर्स्ट एयर की वो क्या होती है, यानी कि फर्स्ट होता है ए, किसको डिनोट करता है? एयरवे को। कैसे? अटेंशन मस्ट फर्स्ट बी ब्राउट टू द एयरवे टू इंश्योर इट इज क्लियर, यानी कि मान लो किसी कहीं पे आग लगी हुई है, ठीक है, उसके अंदर इंसान फंस गया तो क्या होगा? उसका दम घुटेगा ना, सांस नहीं आएगी, यानी कि उसके लिए पहले आपने इंश्योर करना है कि ऑक्सीजन के अंदर लेके आइए आप उसको, ठीक है, जहां पे उसको ऑक्सीजन मिले, ठीक है, उसको क्या मिले? हवा मिले, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये चीज क्लियर करनी होती है कि हवा क्या उसको आ रही है। देन उसके बाद ब्रीथिंग, अगर मान लो अगर किसी इंसान की सांस रुक जाए, ठीक है, तो क्या होगा? वो इंसान क्या होगा? मर जाएगा, ठीक है, बिना सांस लिए क्या होगा? वो इंसान मर जाएगा। तो सेकंड जो चीज आपने देखनी है वो होती है ब्रीथिंग, कि वो क्या ब्रीथिंग ले पा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ अलग अलग जो प्रैक्टिसेस होती है, क्या क्या चीज आपको करनी चाहिए, ठीक है, तो वो सब चीज आपको फर्स्ट एड में बताया जाएगा, ओके। देन सी, जो सी किसको डिनोट करता है? सर्कुलेशन, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है, एक इंसान के ब्लड सर्कुलेशन है ना, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? द फर्स्ट एयर इज नाउ ट्रेन टू गो स्ट्रेट टू चेस्ट कंप्रेशन थ्रू सीपीआर मेथड। अब जो सर्कुलेशन के लिए, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए आप सीपीआर मेथड का यूज कर सकते हो, ओके। अगर आपको नहीं पता सीपीआर मेथड क्या है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, ड्राफ्ट ऑफ सिविल की क्लास में, जो फर्स्ट एड के बारे में, ठीक है, या फिर फायर्स के बारे में, तो इसकी क्लास हम अलग से लेंगे, ओके। सो तो ये आपने याद रखना है, एबीसी ऑफ फर्स्ट एड क्या होती है? एयरवे ब्रीथिंग देन सर्कुलेशन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटमोस्फेयर गैसेस। अब देखिए जो परसेंटेज है ऑक्सीजन का एटमोस्फेरिक गैसेस में कितना परसेंट होता है, कितनी परसेंट मात्रा उसकी रहती है। तो ऑप्शन आपके पास 78.03%, 20.99%, 15.88% या 12.41%। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा 20.99%, यानी कि 21%, ठीक है। जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितने परसेंट है एटमोस्फेयर में? 21%, ठीक है। और जो 78% है वो क्या है? नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 21% अर्थ के एटमोस्फेयर में किसकी मात्रा है? ऑक्सीजन की 78% है नाइट्रोजन की, और जो बचा 1% बाकी जो गैसेस है उनकी मात्रा है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पे क्या ऑप्शन था आपके पास? 20.99, यानी कि इसको राउंड फिगर में 21% कहा जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए अब कितने परसेंट मात्रा है ऑक्सीजन की एटमोस्फेयर में, तो कितना कहोगे? 21%, ठीक है। या फिर आपको ऐसे ऑप्शन दिए हो 20.99%, तो आपने 20.99% सिलेक्ट करना है। अगर आपको 21% दिया हो तो आपको उसको सिलेक्ट करना है, ओके। कभी भी 20.99 और 21% साथ में नहीं दिए होंगे, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉज्ड इन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब देखिए जो औद्योगिक वातावरण में उसमें व्यावसायिक बीमारियां कैसे होती हैं, ठीक है, कैसे पैदा होती है। तो ऑप्शन आपके पास
नेजिलेंस यानी कि लापरवाही, उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज ज्ञान की कमी, किसी चीज की ज्ञान की कमी के कारण, या फिर इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मशीन्स, जो आप हैंडल कर रहे हो किसी मशीन को चला रहे हो उनकी इम्प्रॉपर तरीके से चलाने की वजह से, या फिर पर्सन एक्सपोज टू सब्सटेंसेस और प्रोसेस। तो 10 सेकंड है टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा पर्सन एक्सपोज टू सब्सटेंसेस और प्रोसेस। अब जो व्यावसायिक बीमारियां हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है, कि जो एक पर्सन है वो किसी पदार्थ के क्या रहा संपर्क में आ रहा है, ठीक है, या किसी प्रक्रिया के संपर्क में आ रहा है, यानी कि कोई कोई केमिकल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर उनकी प्रोसेस उनके अंदर एक्सपोज हो गया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा मटेरियल जो नुकसान पहुंचा सकता है उसके संपर्क में आ गया, उसको टच कर दिया, तो इस तरह से जो व्यावसायिक बीमारियां ये हो सकती हैं, ठीक है। सो ये चीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेसिग्नेशन ऑफ 420x594 mm साइज पेपर एच पर BIS। तो आपसे पूछा गया है BIS के अकॉर्डिंग जो 420x594 mm का जो साइज पेपर साइज होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, उसका पद नाम क्या होता है। तो ऑप्शन है आपके पास A1, A2, A3 और A4। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 420 कहाँ लिखा हुआ, A2 के अंदर, ठीक है, जो डेसिग्नेशन होगा वो होगा A2, यानी कि A2 पेपर का साइज कितना होगा, ट्रिम साइज कितना होगा, यानी कि कटा हुआ जब उस पेज को काट दे, शीट को काट दे, तो उसका साइज क्या होगा, 420x594। ओके, और अनट्रिम साइज कितना होगा, 450x625, यानी कि 450x625। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे कि जो A4 साइज है या फिर A0 साइज है उनका ट्रिम साइज कितना होता है और अनट्रिम साइज कितना होता है, ठीक है, यानी कि काटने से पहले और काटने के बाद कितना साइज रहता है A1 पेपर का या A2 पेपर का। ओके, या फिर A0 से A5 तक आपसे पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पार्ट ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडी ऑन इट्स आर्क। अब आपसे पूछा गया है उस सर्कल का नाम क्या होगा जिसपे टू रेडी होते हैं इसकी आर्क पर, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है ए सर्कल, बी सेक्टर, सी सेगमेंट और डी सेमी सर्कल। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा सेक्टर, ठीक है, सेक्टर कैसे, तो क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द पार्ट ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडी ऑन इट्स आर्क। अब मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का वो पार्ट कौन सा होगा जो उसके आर्क के ऊपर दो रेडी बना रहा है, ठीक है। तो देखिए अब आपको पार्ट समझने होंगे सर्कल के, तो देखिए आर्क क्या होती है, जो ये वाली चीज जो रेड लाइन आपको दिख रही है ना, इसको आर्क कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये सेगमेंट कौन सा होता है, ये वाला सेगमेंट बनेगा, एक आपको जो ब्लू हिस्सा दिख रहा है ना, इसको सेगमेंट कहते हैं, ठीक है, यानी कि एक साइड में से ये बना हुआ है, इसको क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। लेकिन बात करें सेक्टर की, तो सर्कल की जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है ना सर्कल का, ये वाला, यहाँ से एक लाइन इधर जा रही है आर्क के इसके ऊपर, ठीक है, आर्क के ऊपर दूसरी जा रही है इधर, यहाँ पे ये भी आर्क के ऊपर जा रही है, तो उस हिस्से को क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे सेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो जो हिस्सा बनेगा इसको क्या कहेंगे हम, सेक्टर कहेंगे, ये वाले हिस्से को, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो सेक्टर क्या होता है, सर्कल का वो हिस्सा क्या होता है जिसपे दो रेडी बनी होती है इसकी आर्क पे, वो होता है सेक्टर होता है, ठीक है। ये हुआ सेक्टर, यानी कि ये आर्क बन गई और इस आर्क पे दो रेडी जा रहे हैं, ठीक है, दो लाइनें मिल रही हैं इसके सेंटर पॉइंट से, ठीक है, तो ये हुआ सेक्टर। ओके ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, विच सिंबल रिप्रेजेंट डबल लीफ डबल स्विंग इन विंडोज। अब मान लीजिए आपसे क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन है कि इन सिंबल्स में से जो चार सिंबल दिए गए आपको कौन सा रेफर करता है डबल लीफ यानी कि डबल डोर और डबल स्विंग यानी कि दोनों तरफ स्विंग हो, कौन सी विंडो है। ठीक है, तो एबीसीडी की फॉर्म में आप जवाब दीजिए इस आंसर को देखते हुए, इन पिक्चर को देखते हुए। ओके, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा डी, जैसे आप सबने बताया, बिल्कुल राइट बताया। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी। जैसा आप देख पा रहे हो इसमें क्या हो रहा है, दो इसके पार्ट है, दो इसमें क्या है पल्ले हैं और दोनों तरफ ये स्विंग हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि डबल लीफ और डबल स्विंग डोर, विंडो कौन सा हुआ, ये वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायमेंशनिंग अरेंजमेंट। अब जो आपको फोटो दिखाई गई है ये वाली, इस डायमेंशनिंग अरेंजमेंट का नाम क्या है? तो ऑप्शंस आपके पास चेन डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग, अलाइन डायमेंशनिंग या यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो देखिए राइट आंसर अब जैसा आपने बताया क्या आएगा, अलाइन डायमेंशन। ठीक है, अलाइन डायमेंशन इसका आंसर आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, अगर मान लो कोई लाइन तिरछी है, ठीक है, टेढ़ी लाइन है, तो उसके साथ साथ डायमेंशन दी हुई है। कोई क्षैतिज है, ठीक है, या फिर ऊर्ध्वाधर है कोई, तो उसके साथ साथ भी डायमेंशनिंग दी हुई है, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन के साथ हॉरिजेंटली यहाँ पे डायमेंशनिंग दी हुई है, और जो वर्टिकल लाइन है उसके साथ वर्टिकली यहाँ पे डायमेंशनिंग दी हुई है। और बात करें सर्कल की, तो सर्कल के एंगल के हिसाब से वहां पे डायमेंशनिंग दी हुई है। ठीक है, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, आप देख पा रहे हो ना फोटो के अंदर, तो ये कौन सी हुई, अलाइन डायमेंशनिंग। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल देखिए, ऐसे पिक्चर दिखा के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ स्केल। ये जो आपको स्केल दिखाया गया है, इस स्केल का नाम क्या है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस है प्लेन स्केल, वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल या कंपेरेटिव स्केल। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो जिसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल क्यों आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है और सेंटीमीटर में कौन नापता है, वर्नियर स्केल। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसमें छोटे छोटे हिस्से दिए हुए, यानी कि उसके छोटे छोटे पार्ट, यानी कि एमएम भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वर्नियर स्केल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट लेबल्ड एज एक्स। अभी जो एरो दिख रहा है ना आपको, इस हिस्से का नाम क्या है वो आपने बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास प्लग, फ्यूज हेड, बेस चार्ज या प्राइमिंग चार्ज। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्राइमिंग चार्ज। ठीक है, तो ये हिस्सा दिया हुआ है यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्राइमिंग चार्ज। ठीक है, इस पार्ट का क्या नाम होगा, प्राइमिंग चार्ज। ओके, तो ये चीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रेसिंग स्टोन। अब ये जो ड्रेसिंग की गई है स्टोन की, ये जो बनावट दी गई है, ठीक है, इसको कौन से ड्रेसिंग है, क्या नाम है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास ड्रैग्ड फिनिश, फ्रॉड फिनिश, रेटिकुलेटेड फिनिश या हैमर ड्रेस फिनिश। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो फिनिशिंग की गई है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी है। ठीक है, तो स्टोन पे जो इस तरह की फिनिशिंग की जाती है उसको क्या कहा जाता है, फ्रॉड फिनिश। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है, फ्रॉड फिनिश, ये इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है,
सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नेम द एरो पॉइंटेड इन स्पेसिंग ऑफ ड्रॉइंग शीट. अभी जो ड्रॉइंग शीट है उसके अंदर कुछ एरो दिखाया गया, आपको दिख रहा है ना एक्स वाला, यानी कि ये एक्स जिसको एरो लेके जा रहा है इस हिस्से को क्या कहेंगे, ठीक है, किस पे पॉइंट कर रहा है ये एक्स, तो उसका नाम बताना है आपको. तो ऑप्शंस आपके पास ट्रिमिंग एज, बॉर्डर, ओरिएंटेशन मार्क या फ्रेम. तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए. ओके तो राइट आंसर क्या आएगा, ट्रिमिंग एज. जैसे आपने बताया ये क्या है, ट्रिमिंग एज है, ठीक है. अब देख पा रहे हो चारों ओर कुछ एज बनी हुई है ट्रायंगुलर शेप के अंदर, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रिमिंग एज कहेंगे, ठीक है. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द एरोहेड डिनोट्स. अब ये जो एरोहेड दिखा रहा है इसको जो हिस्सा है वो उसको क्या कहेंगे, उस पार्ट को क्या कहेंगे, ठीक है. तो ऑप्शंस आपके पास बैटन्स, स्ट्रिप्स, इबोनी एज या होल्डर. तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए. ओके तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, इबोनी एज, ठीक है. ये किसके लिए यूज करते हैं, जो टी स्क्वायर लगाना होता है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है. टी स्क्वायर को सेट करने के लिए इबोनी एज का यूज किया जाता है. ओके तो ये आपने ध्यान रखना है ड्रॉइंग बोर्ड के अंदर, इबोनी एज का क्यों यूज करेंगे, जो हमारा टी स्क्वायर है उसको सेट करने के लिए, उसको लगाने के लिए. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पार्ट मार्क एट एक्स. अब इसमें ही पूछा गया है ये जो मिनी ड्राफ्टर है इसका जो ये पार्ट है उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है, क्या नाम है उसका. तो ऑप्शन आपके पास ए स्क्रू, बी हेड, सी ब्लेड या डी लिंकेज. तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए. ओके तो जिसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है. तो इसके लिए आपको ये पूरे पार्ट्स हैं ड्राफ्टर के वो पता होने चाहिए, ठीक है. तो हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ड्राफ्टर में. तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया प्रोटेक्टर हेड, ठीक है, जहां प्रोटेक्टर लगाया जा रहा है उस हिस्से को क्या कहेंगे, प्रोटेक्टर हेड कहेंगे, ठीक है. जैसे अभी पूछा गया था ना इस हिस्से को क्या कहेंगे, तो ये आएगा प्रोटेक्टर हेड, ठीक है. और आपको पता है ये स्केल होता है, ठीक है, ये वाला स्केल हो गया, ठीक है. देन यहाँ पे एक चीज और है, रेफरेंस मार्क. आप सबने देखा होगा जिसने ड्राफ्टर यूज किया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, एक मार्क दिया होता है, ठीक है, कि कौन से डिग्री पे आप स्केल को लेके जा रहे हो, कितनी डिग्री पे आपकी लाइन लगने वाली है, ठीक है. तो ये जो हिस्सा होता है उसको क्या कहेंगे, रेफरेंस मार्क कहेंगे, ठीक है. देन उसके बाद देखिए यहाँ पे इंडेक्स प्लेट, ये जो प्लेट लगी हुई है इसको क्या कहेंगे, ये जो स्टील की होती है ना इसको क्या कहेंगे, इंडेक्स प्लेट कहेंगे, ठीक है. तो ये पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है. मिनी ड्राफ्टर के जो पार्ट्स है वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं. ये हो गया हमारा स्केल, ये जो हिस्सा है ये क्या हुआ, प्रोटेक्टर हेड. देन उसके बाद ये जो मार्क हुआ वो कौन सा हुआ, रेफरेंस मार्क. और जो प्लेट लगी हुई है मेटल वाली वो कौन सी हुई, इंडेक्स प्लेट, ठीक है. देन उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको नोब लगी होती है, यानी कि एक हिस्सा जिससे आप स्केल को लॉक करते हो, आप उसको लूज करते हो ना स्केल को, अगर आपने घुमाना तो लूज करोगे, ठीक है, और टाइट करना हो तो उसको टाइट कर दोगे, ठीक है. स्केल आपने जहां सेट करना है वहां पे आप ले जाकर टाइट कर दोगे. तो ये क्या हुआ, जो ये हिस्सा होता है, जो सर्कल होता है, सर्कल टाइप का जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, लॉकिंग नोब कहते हैं, ठीक है. देन उसके बाद ये मान लो ये जो जा रही है यहाँ पे, ये जो बाहर से जा रहे हैं लोहे की जो छड़े होते हैं, ठीक है, ये वाले जो छड़े हैं इनको मिलाने के लिए यहाँ पे जो प्लेट लगाई जाती है उसको पिवट प्लेट कहते हैं, ठीक है. ये जो स्केल शेप के अंदर है ना ये पिवट प्लेट है, ओके, इसको क्या कहेंगे, पिवट प्लेट कहेंगे. देन ये जो बार्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया छड़ है जो, इसको क्या कहेंगे, पैरलोग्राम बार्स, ठीक है, यानी कि पैरलली चलती रहती है ना ये दोनों, जाएंगी पैरलर जाएंगी,
ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम बार्स। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर एक चीज रहती है, वो है फिक्सिंग क्लैंप। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, फिक्सिंग क्लैंप। ये जो क्लैंप कहाँ लगाया जाता है, आपके ड्रॉइंग बोर्ड पे लगाया जाएगा। ठीक है, ड्रॉइंग बोर्ड पे लगा दिया, उसके बाद जो स्क्रू होता है उसकी मदद से हम इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, ताकि जो ड्राफ्टर है वो हिले ना। ओके, तो ये सब पार्ट्स होते हैं एक मिनी ड्राफ्टर के। ओके, सो आप सबने देखा ही होगा, तो आपको अगर नाम नहीं पता था तो आप जान लीजिए। ठीक है, स्केल हो गया हमारा, रेफरेंस मार्क जहाँ पे पॉइंटर लगा होता है ना एंगल के लिए, वो रेफरेंस मार्क। जो ये मेटल का हिस्सा होता है, ठीक है, जो होल्ड करके रखता है स्केल को, उसको इंडेक्स प्लेट कहेंगे। लॉकिंग नॉब, जिससे आप अपने स्केल को लूज या टाइट करते हो। उसके बाद ये जो बार्स होती है, पैरेललोग्राम बार्स, इनको मिलाने के लिए कौन सी पिवट यूज किया जाती है, प्लेट, वो पिवट प्लेट होती है। ओके, और जो हिस्सा आपके टेबल पे लगाते हो वो होता है फिक्सिंग क्लैंप। ओके, और जो स्क्रू होता है उसको स्क्रू कहेंगे। ओके, सो ये सब चीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द स्टोक या हेड एंड ब्लेड इन द टी स्क्वायर। अब जो टी स्क्वायर है उसके स्टोक या हेड और ब्लेड के बीच में कितने का एंगल बनता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस आपके पास ए 30, बी 45, सी 60 या डी 90। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, राइट आंसर, राइट आंसर, सबको पता है कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ये जो हेड है टी स्क्वायर का, ये वाला, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे, हेड कहेंगे। इस जो ब्लैक वाला हिस्सा है इसको हेड कहेंगे। ठीक है, और ये कौन सा हुआ, ये हुआ ब्लेड। ठीक है, ये वाला हिस्सा कौन सा हुआ, ब्लेड हुआ। तो ये तो क्वेश्चन था ना कि ब्लेड और स्टोक या हेड के बीच में, यानी कि हेड और ब्लेड के बीच में कितने का एंगल बना, तो वो बनेगा 90 का। ठीक है, 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में, अभी भी आया है। ठीक है, लेकिन इसमें अनट्रिम्ड साइज पूछा हुआ है। तो ऑप्शंस आपके पास, व्हाट इज द A4 डेसिग्नेशन फॉर अनट्रिम्ड साइज ऑफ ड्रॉइंग शीट। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस आपके पास, 450 × 625 mm, 330 × 450 mm, 240 × 330 mm या 165 × 240 mm। तो जवाब दीजिए। ओके, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे अनट्रिम साइज क्या है, 240 × 330। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 240 × 330 mm, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके, तो आपने ये याद रखना है कि ट्रिम साइज कितना होगा A4 पेपर का, 210 × 297। ठीक है, और जो ट्रिम्स अनट्रिम साइज है वो कितना होगा, 240 × 330। ठीक है, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया। तो जो ट्रिम साइज है कटा हुआ, ट्रिम करने के बाद जो साइज बचेगा, 210 × 297, यानी कि 210 × 297। ठीक है, और जो अनट्रिम्ड है जिसको काटा ना गया हो, उस साइज को क्या कहेंगे, 240 × 330। ओके, तो ये 6×6 जो आपके साइज है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट, मैंने आंसर की यहाँ पर अटैच कर दी है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन थे उनके मैंने यहाँ पे आंसर की अटैच कर दी है। ठीक है, तो जो ये PDF है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के थ्रू वहां ज्वाइन को, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, उस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग अस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, हर संडे को हम क्लासेस लेंगे, वीकली हमारी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।